होती है, केरी का क्या बनाते हैं हम, चटनी बनाते हैं, उसका अचार बनाते हैं, उसका मीठा मुरब्बा बनाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं खट्टी मीठी। अच्छा, फिर जब वो आम पक जाता है तो आप उसको मस्जिद से खाते हैं, शेक बनाते हैं, बनाते हैं पल्प वगैरह उसकी, जो है बहुत डिजर्ट वगैरह बनता है, मैंगो डिलाइट बनाते हैं, यानी हर तरह की चीजें ये बनाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके छिलके में क्या है और उसकी गुठली में क्या है। अब उसके आम का, आपने आम खा लिया, छिलका आपने सुखा लिया, उसका पाउडर बनाए, चेहरे पे लगाए, चेहरे पे स्किन शाइन। अच्छा, ये मैंने पहली दफा मैंने इसका सुना है कि आम सुना आप उसमें छिलकों का, आप उसमें शहद थोड़ा सा डाल के, अरके गुलाब डालें और डाल के स्किन पे अप्लाई करें 2 दफा दिन में सुबह शाम, इससे आपको कोई नुकसान है ना कुछ, और स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा मसाज कर लें चेहरे पे तो इससे इतना अच्छा होता है। अच्छा, जो आम की जो गुठली है उसको क्या करना, आपने गुठली फाड़ के उसके अंदर का जो व्हाइट कलर का होता है ना, बिल्कुल गुठली, हाँ वो आप निकालें, उसको काटें, उसको काटने के बाद उसे सुखाएं, सुखा के उसका भी पाउडर बनाएं, उसको भी आप इस जो छिलके के साथ 1 टेबल स्पून उसमें डालें और स्किन पे अप्लाई करें। बच्चे को पेचिस हो गई है तो वो आप डाल के ना दें, तो ये भी बच्चे के लिए बहुत फायदे। हाँ, पेचिस से मोशन लग गए हैं, तो ये देखिए ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको जो है ना देते रहना, अगर आपका दिल वो हो रहा है तो आप डॉक्टर को भी दिखाएं, लेकिन ये भी आप दें तो इससे भी काफी जो पेट का दर्द, बच्चों के मोशन, बड़ों का भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों का भी है, तो ये बड़ा अच्छा है, अच्छी चीज है। घरेलू टोटके अच्छे भी होते हैं, ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर को भी दिखा दें, ये मुझसे हम ये भी नहीं कह रहे कि आप सिर्फ डॉक्टर को ना दिखाएं और सिर्फ यही करें, यही करें, आप डॉक्टर को दिखाएं और ये भी दें, ये इसमें साथ में ये भी, ये आपसे कोई ना इसमें। अच्छा, बच्चों को दस्त लग जाते हैं तो उसके लिए इसबगोल भी बेहतरीन है, बड़ों को लग जाते हैं बेहतरीन, ये बड़ों को लग जाए तो ये चीजें बहुत बेहतरीन चीजें हैं, लेकिन लोग ये जून जुलाई में अमूमन बच्चों को ना डायरिया ये इस टाइप की शिकायत बहुत होती है, बहुत होती है। अच्छे अमरूद के पत्ते होते हैं, जो बिल्कुल जो कलियों के जो पत्ते होते हैं, छोटे जो अमरूद होते हैं बिल्कुल, जैसे हाँ जैसे कि अभी अब निकले हैं, छोटे साइज का ही है, अभी उसमें बीज नहीं है, उसे आप तोड़ लें, बच्चे को पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है, मोशन लग गए, आप उससे पीस लें, पीस के ना उसका अर्क सा बना लें, बारीक कपड़े में डालें, उसे छान लें या छानने में डाल दें चाय छन्नी में, उससे उसका अर्क निकाल के बच्चे को ना शहद डाल के वो दें, उसके पेट का मरोड़ सब कुछ पता, इतनी अच्छी चीज, इतने फायदेमंद चीज है ये तो। बिल्कुल। अच्छा, तो हमारी अब है चिकन मुरादाबादी बिरयानी। जी, चिकन मुरादाबादी बिरयानी है, बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी। ये ऐसे है कि जरा राम राम से बताइएगा। हाँ जी जी बिल्कुल, ठीक है। चिकन का क्या चिकन लेंगे? हाँ हाँ, चिकन मुरादाबादी बिरयानी जो है इसमें हम लेंगे 1200 ग्राम इसमें चिकन लेंगे 1200 ग्राम, और चावल लेंगे हम 300 ग्राम 300 ग्राम चावल लेके हम इसे भिगो देंगे, आधे घंटे के लिए चावल को रख देंगे भिगो के, आधे घंटे के लिए, ठीक है, आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम है आप इससे भिगो दें। भिगोने के बाद आप इससे, इसका तो अभी मरहला बाद में होगा, लेकिन आप इससे भिगो दें, फिर लेंगे हम 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, इसे भर के लेंगे और इसे हम इसे चिकन में डाल देंगे, जो 1200 ग्राम चिकन लिया, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और फिर जो इसमें जो है ना 8 या 10 अदद हरी मिर्ची रेड वाली, जो हम फ्रिज में रख देते, आपने देखा होगा अक्सर रेड हो जाती है मिर्चें, है ना, उसकी वही चाहिए, वही वाली मिर्चें चाहिए हमें, हम इसकी डंडी तोड़ के हम इससे ब्लेंड करेंगे, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, बारीक बारीक पेस्ट बना लेंगे, फिर हम लेंगे 4 टमाटर मीडियम साइज का, इसके भी हम पेस्ट बना लेंगे, और ये दोनों को हम चिकन में डाल देंगे, एक बॉल लेंगे, बॉल में चिकन डालेंगे, इसमें हम ये सारी चीजें डाल देंगे, अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्चें जो पीस के हमने रखा पेस्ट बनाया ये भी डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, दही लेंगे 250 ग्राम यानी के 1 पाव के करीब, इससे अच्छी तरह से हम बीट करेंगे, बीट करके हम इसमें
डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नमक लेंगे, आपको कम लगता है तो अपनी मर्जी से चाहिए तो ज्यादा, अपनी मर्जी। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून कुटा धनिया, कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून कुटा सौंफ, 1 टेबल स्पून कुटा गरम मसाला यानी पिसा हुआ गरम मसाला ले लें, 1/2 टीस्पून इसमें जावेत्री का पाउडर और 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर इसमें ले लें। और जो है इसमें इसी में सारी चीजें इन तमाम जो है ना इसको चिकन में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके 2 घंटे के लिए हम इसे रैप करके फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। और हाँ, मैरिनेट करके इसे हम रख देंगे। फिर हम जो एक डेगची में ऑयल लेंगे, ऑयल डालेंगे, 2 अदद प्याज बारीक काटेंगे, बारीक काट के इसे हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। अच्छा, ये जो प्याज हमने ब्राउन किया है ना इससे हम निकाल लेंगे बाहर, इसे बटर पेपर में या टिश्यू पेपर में आप रख दें और इसे छोड़ लेते हैं, इसको थोड़ा हिलाते रहें, इसको ऊपर नीचे करें ताकि गुठला सा ना बने बिल्कुल ना। अच्छा, इसको प्याज को फिर इसे काट लिया है और इसमें जो है ना गोल्डन जब हो जाए तब तक प्याज जब फ्राई हो जाए फिर इससे ना ऑयल से सेपरेट करके निकाल लेंगे, इसे छानना में रख दें या उसमें रख दें। इसमें जो है ना फिर आप क्या करेंगे, साबित गरम मसाला शामिल करेंगे। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून और 1 टीस्पून डालेंगे लौंग और दालचीनी का 2 टुकड़ा डालेंगे, जो छोटा होता है ना साइज का 2-2 इंच का वो आप डालेंगे। अच्छा जी, 2 अदद बादियान के फूल टुकड़ा तोड़ लेंगे हम, इसे टुकड़ा कर लेंगे इसपे ना, बादियान के फूल होते हैं ना गरम मसाले में जो, हाँ जी हाँ। और जो है ना 1 बड़ी इलायची इसमें डाल देंगे और जो है ना 8 या 6 छोटी इलायची ले लें और 3 तेज पात ले लें छोटे साइज का, इन सबको इसी ऑयल में डाल देंगे, 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इससे ना। फ्राई करने के बाद जो हमने मैरिनेट करके रखा था गोश्त 2 घंटे के लिए चिकन, ये हम इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम खूब भुनेंगे, फ्राई करेंगे। इसका पानी जब खुश्क हो जाए, दही का पानी, टमाटर का पानी सारा खुश्क हो जाए, फिर हमने क्या करना है इसमें 6 गिलास पानी डाल के चूल्हे पे रख देना, ठीक है। हाँ, इसे जब बॉयल आ जाए, जब इसमें थोड़ा सा पानी पक जाए, ये देखें कि आपका गोश्त गल चुका है, फिर आपने क्या करना है इसमें जो चावल आपने भिगो भिगो के रखे थे ना, ये चावल इसमें आपने ऐड कर देना, ठीक सारा ठीक। और इसमें जो है ना हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च साबित जो है ना 6 अदद इसमें डाल देंगे और आलू बुखारा भी डालेंगे चावल शामिल करने से पहले। अच्छा। और जो है हम इसमें डालकर और इसे 10 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी खुश्क होने लगे आपने क्या करना है, कटोरी में फूड कलर लेना है और इसको पानी में या दूध में आप मिक्स करके 1 टीस्पून कलर फूड कलर लेके आप इसमें जगह जगह इन चमचे से आप डाल दें। डालने के बाद इसे दम में रख दें, कपड़ा लगा के ढक्कन पे ढक के आप इसे छोड़ दें तवे पे, तेज आंच पे करें फिर इसे स्लो कर दें और करने के बाद जब दम आ जाए आप इसे निकालें, बेहतरीन खुशबूदार रायता हो साथ में, और रायता बना लें, चटनी बना लें और सैलेड बना लें, कचुंबर बना लें, जिससे आपको पसंद है जैसे खाना हो, आप जो है सर्विंग प्लेट में निकालें और डिश आउट करें और खाएं मजे लेकर। जबरदस्त, क्या बात है जी, क्या बात है बिरयानी, मुरादाबादी, वो भी मुरादाबादी बिरयानी, बॉम्बे तो हमें तो शायद याद आ गए जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी जी। तो ये चीजें ठीक है। तो एक और आपके लिए एक चीज जो आपकी फरमाइश पे मैंने जी मैं लेकर आई हूँ, मैंने कहा चलो आप खुश हो जाएंगे आज तो मेरे ख्याल से। अच्छा। गोलगप्पे ये मुझे नया नया शौक हुआ है, मैं गोलगप्पे खाती नहीं थी, अचानक से शौक हुआ है मुझे। अच्छा। वाह भाई वाह, क्या बात है, बताइए। देखिए गोलगप्पे खुद बनाएं, खुद घर पे बनाएं, खुद बनाकर खाएं, वो ज्यादा टेस्टी और अच्छा, हाइजीन का भी मसला होता है बाहर खाने का। तो ये घर में लें आप गोलगप्पे, 1 कप सूजी लें, ठीक है, 2 टेबल स्पून मैदा लें और जो है 1/4 चौथाई जो है ना इसमें वो ले लें बेकिंग सोडा ले दें और 1 या 2 जैसे ना इसमें
चुटकी जो है ना इसमें नमक डालें खाने का। अच्छा। और डालने के बाद अच्छा सोडा जो लेंगे मीठा सोडा।